ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। मुल्क में शदीद बेयकीनी, मईशत तबाह, जरे मुबादला के गिरते ज़खायर, तरसीलाते ज़र में कमी। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर दरामदात की ज्यादती, बरामदात का फुकदान, मुल्क भर में गैस बिजली तवानाई का बहरान। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। गाइस आज नरेंद्र मोदी का ऑफिशियली ट्वीट देखकर ये सामने बात सामने आ गई कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। गाइस इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। IMF अगर कर्जा दे देगा तो IMF अगर कर्जा दे देगा, वो अगर मुझे दिल दे दे अपना तो मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है। द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह एंगेज कर रही है। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली थैंक यू किया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का। दुनिया इंडिया ने आज GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया। हर रोज पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान दैट विल बी आई थिंक समवेयर जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज वो को $25 बिलियन के करीब है जो कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को GCC का नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है, और ये समझ लें कि सारे का सारा जो जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। फॉरगेट मतलब कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ के अकाउंट अरबपति हो गया है, वजीर आजम जो है उसको, सबक वजीर आजम जो है वो जेलों में है, कईयों को फांसी हो।